महाराष्ट्र के महाबलेश्वर में हैदराबाद के निजाम की 200 करोड़ रुपए से ज्यादा की प्रॉपर्टी को सीज कर दिया गया है। हैदराबाद के निजाम ने जो कहा पट्टे पर दी थी और जिस पर जो है वुडलॉन बंगला भी बना हुआ था, उसे भी जब्त कर लिया गया है। सतारा के डीएम और तहसीलदार की टीम ने 15 एकड़ जमीन हैदराबाद के निजाम ने पट्टे पर दिए गए मुख्य बंगले और परिसर के सभी भवनों को आज सील कर दिया गया। निजाम की संपत्ति की कीमत 200 से 250 करोड़ रुपए बताई जा रही है। दरअसल 1 दिसंबर को इस संपत्ति पर कब्जा करने के लिए 60 से 70 लोगों की भीड़ पहुंची, जिसकी वजह से इलाके में तनाव था और कानून व्यवस्था की समस्या हो गई, जिसकी वजह से डीएम रुचेश जयवंशी ने महाबलेश्वर की तहसीलदार सुषमा चौधरी पाटिल को 2 दिसंबर को वुडलॉन संपत्ति पर कब्जा करने का आदेश दिया। इस बंगले में कई सालों से सीएम एकनाथ शिंदे गुट के पूर्व महापौर स्वप्नाली शिंदे और उनके पति पूर्व नगर सेवक कुमार शिंदे रह रहे थे। तहसीलदार पाटिल ने उन्हें सरकारी कार्रवाई की जानकारी दी और उन्हें अपना सामान निकालकर जाने को कहा, जिसके बाद शाम करीब 5 बजे तक सामान हटाने का काम शुरू हुआ। इस बीच तहसीलदार के सामने मुख्य बंगले के सभी कमरों को सील कर दिया गया। बंगले को सील करने के बाद किसी भी निजी व्यक्ति को बंगले में प्रवेश करने की अनुमति नहीं है। आपको बता दें कि पिछली 1 दिसंबर को हैदराबाद के नवाब का 19वां बार इस संपत्ति पर कब्जा करने आया। नवाब के साथ करीब 40 से 50 महिलाएं भी थी। बाउंसरों से की अधिक संख्या के कारण स्थान पर तनावपूर्ण स्थिति पैदा हो गई थी। सतारा जिले की कलेक्टर के किए गए काम की वजह से ये काफी ज्यादा यहाँ पर तारीफ हो रही है। तो इस खबर पे ज्यादा जानकारी देने के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता सतारा से इम्तियाज जुड़ चुके हैं। इम्तियाज, महाराष्ट्र के महाबलेश्वर में जो है हैदराबाद के निजाम की 200 करोड़ रुपए की ज्यादा से ज्यादा संपत्ति यहाँ पे बताई जा रही है और कब्जे को लेकर बात आ रही है, जिस पर जो है यहाँ पे रह रहे थे उन्हें भी निकाल दिया गया, क्या कुछ है पूरी जानकारी? जी, महाराष्ट्र के जो मिनी कश्मीर कहलाने वाले महाबलेश्वर में निजाम हैदराबाद के निजाम मीर अली की ये प्रॉपर्टी है। तकरीबन उन्होंने ब्रिटिश से ही ये प्रॉपर्टी लीज पर ली थी, उसके बाद इस बंगले पर निजाम का ही कब्जा था जी। निजाम का अब तक का ये रिकॉर्ड है कि तकरीबन 70 लाख से भी ज्यादा उनका वहां पे आयकर विभाग से उनका ये रकम सरकार को देनी बाकी थी और इसके ऊपर काफी मामले जिलाधिकारी और कोर्ट में भी चले थे। तकरीबन उस बंगले में महाबलेश्वर के पूर्व जो महापौर है जो स्वप्नाली शिंदे और उनके पति कुमार शिंदे, इन्होंने इन दोनों पति पत्नियों ने इस बंगले पर कब्जा जमाए रखा था। तबकि तकरीबन ये उन दोनों इस बंगले से बाहर नहीं निकल रहे थे तो निजाम ने 60 से 70 अपनी तादाद के लोग उस बंगले में उनको खाली कराने के लिए भेजे थे और दोनों में भी वहां पे काफी टकराव नजर आया। तो जिला प्रशासन ने इसके ऊपर नजर डाली और जिला प्रशासन के पास ऑलरेडी इसकी कंप्लेंट थी और आयकर विभाग की तरफ से 60 से 70 लाख रुपया, जबकि ये बाकी था सरकारी पैसा। तो जिलाधिकारी ने इस मामले को मद्देनजर रखते हुए इस बंगले पे कार्रवाई की और बंगले को पूरा सील कर दिया, जबकि ये 200 से 250 करोड़ की ये प्रॉपर्टी है। अब ये पूरी प्रॉपर्टी जिलाधिकारी के निरीक्षण में वहां पे सील कराई गई है। जी बिल्कुल। तो अभी इस प्रॉपर्टी पर कोई ऐसा फैसला नहीं आया है कि ये निजाम को वापस मिलेगी या नहीं। एक तरफ देखा जा रहा है कि राजनीति से भी कहीं ना कहीं ये मुद्दा जुड़ चुका है, क्योंकि जो पूर्व में यहाँ पर रह रहे थे वो एकनाथ शिंदे के गुट से जुड़े हुए बताए जा रहे हैं। मैं बिल्कुल कुछ ही दिनों पहले छत्रपति शिवाजी महाराज के पराक्रम का जो ये गढ़ है प्रतापगढ़, वहां पे अफजल खान की कब्र के इर्द गिर्द जो अतिक्रमण था, वो अतिक्रमण भी इसी जिलाधिकारी रुचेश जयवंशी ने बड़ी धैर्य से इस अतिक्रमण को निकाला और उसके बाद महाबलेश्वर में ही कुछ ही दिनों के बाद निजाम की प्रॉपर्टी जो सील करने का एक अनोखा काम जिलाधिकारी ने करने के वजह से पूरे महाराष्ट्र में तारीफ हो रही है कलेक्टर की। जब तकरीबन पिछले बहुत दिनों से बहुत सालों से इस महाबलेश्वर में ऐसी कुछ प्रॉपर्टीज है जो इनको अब सही अंजाम देने के लिए जिलाधिकारी अब आगे कदम डाल रहे हैं। तो हम कह सकते हैं कि प्रशासन अब अलर्ट और एक्टिव मोड पे आके काम कर रहा है। बिल्कुल बिल्कुल, प्रशासन अब
इस तकरीबन पिछले दिनों में ही महाराष्ट्र के साथ में जिन जिन जहाँ जहाँ जगहों पे गावठान पे भी जो जो भी अनलीगली कंस्ट्रक्शन है और जो भी मतलब संवेदनशील और हेरिटेज प्रॉपर्टी के ऊपर जो जो भी कुछ अनलीगली कंस्ट्रक्शन है उनको निकालने का आदेश महाराष्ट्र सरकार ने देने के वजह से अब सभी महाराष्ट्र में खासतौर से ये ऐसे हिल स्टेशन पर और ऐसे संवेदनशील जगहों पर जिलाधिकारी और वहां के प्रशासन लोकल प्रशासन अब कड़ी निगरानी रखे हुए है कि ऐसे जो जो भी कुछ अनलीगली हेरिटेज प्रॉपर्टी के ऊपर अनलीगली कंस्ट्रक्शन है उनके ऊपर जो जो भी कब्जा जमाए बैठे ऐसे लोग हैं उनको खाली करने के लिए अब नोटिस भी जारी कर दी गई है और ऐसे जगह पे खासतौर से जिलाधिकारी पर्सनली ध्यान देते हुए ऐसे कंस्ट्रक्शन को खाली करने के लिए और ऐसी जगहों को सील करने के लिए महाराष्ट्र सरकार की गाइडलाइंस के अंडर ऐसे काम किया जा रहा है। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो खबर हमने आपको महाराष्ट्र से बताई जहां अवैध कब्जे को लेकर प्रशासन का अलर्ट और एक्टिव मोड देखने को मिला।